छोड़ूंगा नहीं। मैं साले ना। ए बाद में सोच रहा है। ए जीना रुक। मरेगा साले। ए बैठ बैठ रुक रुक। ए ए बाय बाय प्लीज। मैं क्या कर सकता हूँ? सुन सुन सुन। ये मरना है क्या? लाइफलाइन छोटी है तेरी साथ। तुम क्या मजाक करती रहती जानो नींद नहीं आ रही। कितनी बार कहा आपसे आप भी मेरी तरह मेडिटेशन किया करो, आसानी से नींद आ जाएगी। मुझे देखना, फौरन घोड़े बेच कर सो जाऊंगा। गुरुजी, कितने चाहिए बोलो, कितने रुपए चाहिए? 5 लाख? 5 रुपए तक कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी? 10 लाख? तुम जैसे निकम्मे को कोई भीख भी नहीं देगा। 20 लाख? तुम्हारे जैसे गधे कैसे अपनी जिंदगी में कुछ कमा पाएंगे? ओके 50 लाख्स। यू नो माई स्टेटस, तुम बड़ा हाथ डालने की फिराक में हो। बट आई वोंट लेट दैट हैपन, यू अंडरस्टैंड? ए ए लिसन, हे स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। आई एम सॉरी, तुम ही टेप की कीमत बोलो, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे नहीं चाहिए, डरो मत। मुझे तुम्हारी मक्खन जैसी जवानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा उसूल अलग है। मैं मानता हूं कि दिल को दिल से बस छूकर वो सुख मिल जाता है जो बदन को बदन से खिसड़ खिसड़ कर नहीं मिलता। शट अप, 1 करोड़ लो और यहां से दफा हो जाओ। ना। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ये अमीर जिंदगी, समझी? नहीं, मैं मरते दम तक ना अमीर रहना चाहता हूं। कल को अगर मुझे ये गाड़ी चाहिए तो बस एक फोन कॉल,
अगर मुझे 5-स्टार होटल में रूम चाहिए ना, तो बस एक फोन कॉल। तुम तो धन का सागर हो, और जब जब मुझे पैसा चाहिए ना, मैं उसमें डुबकी लगा लूंगा। मैंने सुना है तुम्हारे पति के पास 13,000 करोड़ का बिजनेस है, और मैंने सुना है कि तुमसे शादी करने के बाद माँ लक्ष्मी उन पे मेहरबान हुई हैं। अब तुम उसके दिल में देवी जैसी बसी हो। वाह, और देवी से कोई हिसाब थोड़ी ना मांगता है। तो सेनोरिटा, तुम मुझे 25 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट दे दो आज, और मैं ये डील पक्की समझूंगा। भाई लोग, मुंबई आ जाओ मुंबई, यहाँ पे सब मस्त सेट हो गया है। ऑटो ये बटना, अबे इधर ही जाना है, वहां वापस जाने का भाव बोल रहा है क्या? ओए सूरज, अबे सूरज डेढ़ साली जयकुमार, अबे अचानक इतना पैसा किधर से आ रहे? तू कोई अंडरवर्ल्ड के साथ तो काम नहीं कर रहे? मेरे को तो ओनली पुलिस से डर लगता है। तेरे लिए तो सिक्योरिटी गार्ड ही काफी। अच्छा गाइस, सुनना, तूने कोई पूरी अभी लड़की पटाई है क्या? जब भगवान देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। अब मत पूछ किसका छप्पर फटा। किसी का भी फटे, माल तो अपनी झोली में ना। दिस इज रिडिकुलस। एक हफ्ते में उसने 75 लाख रुपए फूंक दिए। अरे आजकल 50,000 रुपए में एक आदमी का आचार बन जाता है। तुम बस एक बार हाँ कह दो, आई विल किल दैट बास्टर्ड। हेलो, हे, तू कब आया? बस अभी अभी, 5 मिनट पहले। अरे तू इतना पैसे के पीछे क्यों भागता है? अपनी बीवी का भी ख्याल रखा कर। क्यों, क्या हुआ? उनकी गर्दन में स्प्रेन आ गया है, उसे फोन देना। श्योर। हाय डार्लिंग। हे जान, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ गर्दन में थोड़ी सी मोच आ गई थी। मोच? कैसे? डॉक्टर को दिखा? नहीं, बस थोड़ा सा आराम करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अब तो काम में मन लगना भी मुश्किल है। आशीष को फोन देना। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वन सेकंड। हाँ बोल। उसे मेरी बीवी रहने देना, चैंपियन मत बना। ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, बाय। क्या हुआ? Come on. क्या हुआ तुम्हें? बस और अब नहीं आशीष, एक हफ्ते से मैं खुद में घूट रही हूँ। एक सड़क छाप लड़का आकर कहता है कि प्यार जिस्म से नहीं दिल से होता है, फिर ये हम कैसे भूल गए? हाँ देखो, एक बार करोगी तो गलती लगेगी, बार बार करोगी तो स्टाइल बन जाएगा। आई डोंट वॉन्ट दिस स्टाइल। तुम उस कमीने की वजह से कंफ्यूज हो रही हो, पहले मैं उसकी खबर लेता हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या भाई, चलना? क्या हुआ? अरे गाड़ी में चल, फिर बताता हूँ क्या हुआ। अबे शाने, चल टेप निकाल। पागल है, उधर ही बोल देता ना, इधर क्यों लेके आया? अबे टेप निकाल अभी। दिमाग का वायर थोड़ा ढीला है।
टेप का साला कोई पर होता है क्या इधर रोड के आएगा? कौन कौन मामा मारना है मारना ना काम हुआ? हेलो भाई, वो तो एक ही लाफे में रो पड़ा। बेकार में 6 लोगों को भेजा आपने। अबे उससे कम मत समझ, एक नंबर का कमीना है वो। तू उसे टेप ले और उसका गला काट। बस 5 मिनट में वो काम भी हो जाएगा। Huh?